नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC प्रवक्ता परीक्षा की, जो सितंबर को आयोजित होनी है। तो ये काफ़ी बड़ी एक भर्ती होने वाली है GIC प्रवक्ता की, और तैयारी के अंतिम दिन ये चल रहे हैं। अंतिम दिन में कैसे आप तैयारी करें और 7 दिन में कैसे क्वालिफाई करें परीक्षा को, क्योंकि प्राथमिक ये जो प्री एग्ज़ाम होता है वो आपका होना है GIC प्रवक्ता के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होनी है GIC प्रवक्ता के लिए। प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करें कम समय में, क्योंकि समय बचा है केवल 7 दिन। इन 7 दिनों की क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में चर्चा। GIC प्रवक्ता बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित ये पद है राज्य के विद्यालयों में, और इसमें जो है 19 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होनी है। और उससे पहले जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर तैयारी आपने कर ली होगी, लेकिन अंतिम 7 दिनों में क्या आपको करना चाहिए। तो अंतिम 7 दिनों में केवल आप प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, और एक दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो प्रश्नों की संख्या है 80 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, और इसके अलावा 40 प्रश्न जो होंगे वो आपके GS से होंगे। तो ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, और इसमें जो है यदि थोड़ा प्रयास भी आप करते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। और इन 7 दिनों में यदि आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट डेली निकालते हैं तो ये लगभग 450 के 480 के करीब ये प्रश्न हो जाते हैं। और अगर 480 प्रश्न आप डेली निकालते हैं 7 दिनों तक, ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन होगा प्रश्नों का। तो आप किसी अच्छे पब्लिकेशन से ये प्रैक्टिस सेट निकालें, काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे बाज़ारों में, या नेट के माध्यम से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो पड़ी हुई है अलग अलग साइट पर। तो इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट हैं, सामग्री आपकी सटीक होनी चाहिए, और अगर 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप 7 दिनों तक निकालते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और जो पिछले जो प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको एक बार देख लेने चाहिए। तो अंतिम दिनों में कोई नई चीज़ों का समावेश आप न करें, जो भी आप कर चुके हैं या फिर प्रैक्टिस सेट ही आप केवल करें। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट यदि आप डेली करेंगे तो आपकी जो तैयारी है, तैयारी का जो अंतिम चरण है, वो बिल्कुल सफल होगा, और निश्चित ही आप देखेंगे कि परीक्षा में आपका स्कोर अच्छा हुआ है। तो बस यही जानकारी थी। GIC प्रवक्ता की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी परीक्षा होने वाली है, और पूरी मेहनत के साथ आप लगे रहिएगा, क्योंकि अंतिम दिन में नहीं भटकना है। और इन 7 दिनों में आप पूरी जी जान से मेहनत से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट डेली निकालिएगा, निश्चित ही आपके स्कोर में वृद्धि होगी और आप ज़रूर सफल होंगे, यही शुभकामनाएँ हैं। तो बस यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।